कि मालेगांव महानगर पालिका और मालेगांव शहर के लिए कमिश्नर ने और एमजीपी ने एक टेंडर कॉल किया है भुयारी गटर का, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का, जो वो 500 करोड़ रुपए का टेंडर है जीएसटी कट करके। ऐसा जो जाहिरात निकली है वो 419 कोटी रुपए का टेंडर है प्लस जीएसटी 500 करोड़ रुपए का टेंडर है, और 25% मालेगांव महानगर पालिका को अपने हिस्सा अदा करना है। सेंट्रल भी है उसमें 33% महानगर पालिका को अदा करना है और बाकी का राज्य और केंद्र सरकार उसके अंदर अदा करने वाली है। अच्छी बात है, भुयारी गटर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का हमारा सपना है, लक्ष्य है। 2014 से हम लोग इसके ऊपर कोशिश करते रहे लेकिन सफल नहीं हो पाए, सरकारें बदलती गई, लेकिन अभी सफलता मिली और उसका टेंडर कॉल हुआ। काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, इसके अंदर दो मत नहीं है। हम भी चाहते शहर का विकास, शहर का डेवलप होना चाहिए, लेकिन जो टेंडर कॉल हुआ है, मैं सबसे पहले तो तमाम ही पत्रकार साथियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, विनंती करता हूँ कि आप कोई विरोधक की नज़र से मुझको या हमारे पक्ष को ना देखें। आपको जो हम निवेदन करने वाले हैं, जो पत्रकार परिषद में जो मुद्दे हम मानने वाले हैं, आपको स्वयं जाकर कमिश्नर से या एस्टिमेट की कॉपी लेकर बैठकर आप भी उस पर स्टडी करें, विचार करें और उसके बाद आप अपना फैसला सुनाएं, उसके बाद आप अपने पेपर के अंदर आप प्रसिद्ध करें, लिखें। अगर हम गलत हो गए तो आप मत लिखिए, अगर हम सच हो गए तो आप हमको आपके पेपर में जगह दो। ये शहर के हित के लिए मैं पत्रकार परिषद हम लोग ले रहे। इतना बड़ा टेंडर कॉल हुआ है लेकिन आप कमिश्नर से पूछो कि मालेगांव शहर के कौन कौन सी गली के अंदर, कौन कौन से इलाके के अंदर, कौन कौन से मेन रास्ते के ऊपर अंडरग्राउंड ड्रेनेज बनने वाली है या अब बिछाई जाने वाली पाइपलाइन है गटर के लिए, उसका आप डिजाइन बता दो। या एमजीपी ने सर्वे की तो एमजीपी के अधिकारियों से आप पूछिए कि आप शहर में कौन कौन से इलाके के अंदर आपने डिजाइन बनाया, आपको डिजाइन नहीं बता सकते। 56 किलोमीटर का अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, अंडरग्राउंड गटर होने वाली है, भुयारी गटर बनने वाली है 56 किलोमीटर, और वो टेंडर जो डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार किए एमजीपी और महानगर पालिका ने मिलकर, मेरा स्पष्ट आरोप है कि 50 खोके सब कुछ ओके करने के लिए कमिश्नर ने और एमजीपी ने मिली भगत से भ्रष्टाचार करने के लिए ये टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार किया और ये टेंडर निकाला है, स्पष्ट मेरा आरोप है। 50 खोके सब कुछ ओके करने के लिए एमजीपी ने और कमिश्नर ने मिलकर 50 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने के लिए ये टेंडर कॉल किया गया है जल्दबाजी के अंदर। आप एकदम सिंपल सवाल है कि अगर 500 करोड़ का टेंडर है तो एजेंसी या जो ठेकेदार टेंडर लेगा तो उसकी कैपेसिटी कितनी होना चाहिए, कम से कम 1000 करोड़ रुपए का उसका टर्नओवर या उसकी कैपेसिटी या उसका रजिस्ट्रेशन का टर्नओवर होना चाहिए ना, कम से कम 1000। हम तो चाहेंगे कि 1500-2000 करोड़ वाली एजेंसी जो जिसके पास अनुभव है, टर्नओवर है, तजुर्बा है, ऐसे लोगों को एजेंसी मिलना, टेंडर मिलना चाहिए। लेकिन कमिश्नर महोदय ने और एमजीपी ने टेंडर डॉक्यूमेंट के अंदर क्या किया कि 150 करोड़ रुपए का टर्नओवर रखने वाली कोई भी एजेंसी को ये टेंडर दे देंगे, सिर्फ 150 करोड़। और एक और उसके अंदर उन्होंने ऐड ये किया कि 25 करोड़ रुपया जिसके पास भांडवल होगा, कैपेसिटी होगी, ये उसको भी वो टेंडर दे देगी।
और उसके अंदर ये भी उन्होंने ऐड किया टेंडर में कि एक कंपनी की अगर कैपेसिटी नहीं होगी तो आप चार लोग मिलकर जॉइंट वेंचर भी आपको अलाउ रहेगा, यानी चार लोग भी एक जगह आ जाओ और आप अपनी चार चाक की गाड़ी के ऊपर चाय बेच सकते हैं, होटल चला सकते हैं, यानी ठेका तुम ले सकते हो। और एक गंभीर बात ऐसी है, इतनी सीरियस बात है कि 56 किलोमीटर अंडरग्राउंड गटर बनेगी, तो जाहिर सी बात है किसी के घरों पे तो नहीं बनेगी, रास्ते में रास्ते के ऊपर से जाएगी, तो रास्ता तो तोड़ना पड़ेगा, कंक्रीट का रास्ता हो या डामरीकरण हो या कैसे भी रास्ते बने हो, उसको खोद कर पाइपलाइन डाली जाएंगी गटर की। ताज्जुब की बात ऐसी है कि गटर जब गटर बन जाएगी, रोड खोदा जाएगा, उसके बाद रोड उसके ऊपर सीमेंट रोड या डामरीकरण रोड के लिए इस टेंडर के अंदर कोई उल्लेख नहीं है, कोई बजट नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। यानी 56 किलोमीटर गांव को खोद डालेंगे लेकिन उसके बाद रोड बनाने के लिए कॉरपोरेशन के पास पैसा नहीं है, न टेंडर में है न कॉरपोरेशन के हेड में। और 14 किलोमीटर यानी टेंडर इसको अगर लेना है तो 14 किलोमीटर का अगर उसने यानी काम किया है पाइपलाइन का, कोई भी छोटा मोटा मालेगांव में चार ठेकेदार है, उन्होंने तो 50 किलोमीटर के काम कर चुके हैं, वो भी ये टेंडर उठा सकते हैं, वो भी टेंडर ले सकते हैं। यानी इतने कमज़ोर शरायत रखी गई है और ये शहर को बर्बाद करने के लिए, ये किसी को भी आलतू फालतू को पकड़ के टेंडर दे देना और अपना करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार कर लेना, इसके लिए जल्दबाजी में टेंडर निकाला गया है और इसमें MGP नासिक के अधिकारी, कमिश्नर वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, सिटी इंजीनियर मुलविस है। और ये किसी राजकीय लोगों के दबाव में, मैं ढूंढ रहा हूँ राजकीय आदमी, अभी तक मुझे नहीं मिला, जो बातें समझ में आ रही कि कोई राजकीय व्यक्ति या राजकीय लोग मिलकर ये पूरा संयंत्र रचा गया है, साजिश रची गई है और ये टेंडर को कॉल कर दिया गया है जल्दबाजी में। बाकी मुद्दे हमारे तमाम जो आसिफ साहब बताया, असलम भाई बताया, उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भुयारी गटर का प्रोजेक्ट है 500 करोड़ का, इसके लिए जो STP प्लांट ज़रूरी है उसकी कैपेसिटी इन्होंने निवेदन में 21.5 MLD रखा हुआ है। कितना? 21.5 MLD, जो कि आम तौर से छोटे छोटे ठेकेदार भी मतलब वो उतना कैपेसिटी का STP प्लांट लगा सकते, बना सकते, जबकि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 60 से 70 MLD का STP प्लांट चाहिए था। और एक्सपीरियंस के साथ में कहने का मतलब ये है कि जो बहुत अहम पार्ट होता है STP प्लांट, जितना भी पानी जो यहाँ से जाएगा वहाँ पर फिल्टर होगा STP प्लांट में, तो वही कम से कैपेसिटी का होगा, तो जाहिर सी बात है पीछे की पाइपलाइनें जो है उसके ऊपर असर पड़ेगा। और ये जो टेक्निक है ये बहुत हार्ड टेक्निक होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं गटर का पानी ब्लॉक होता है, कहीं गटर का पानी ओवरफ्लो होता है, तो वो बनता नहीं है जल्दी, इसलिए बहुत यानी कहना चाहिए तजुर्बेकार और बहुत अच्छी मशीनरी रखने वालों के से काम ये लेना चाहिए था। और दूसरी बात, एक जो अहम मैं बात बताने जा रहा हूँ आपको कि जब हम पाइपलाइन का काम खोदने का शुरू करेंगे तो कई जगह ऐसा है कि अभी अतिक्रमण है, कई जगह कोई अपनी हटाना नहीं चाहता, कुछ कई मामला आ सकते हैं, तो घर वगैरह आ सकते हैं, कुछ और भी बातें आ सकती है, तो एक मशीनरी होती है स्ट्रेसलेस मशीन, इसका काम होता है कि वो यहाँ से ज़मीन के अंदर वो बोर करेंगे तो उस पार निकल जाता है। ये मशीन का इसमें उल्लेख ही नहीं किया गया, इसकी रिक्वायरमेंट बताई नहीं गई, ठेकेदार बस नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा, जबकि ये बहुत चाहिए, जब बहुत अहम मशीन है, यानी कहना चाहिए हमारे शहर का काम वक्त पे हो इसके लिए ये मशीन की बहुत ज़रूरत है, और उन्होंने इसके अंदर लिया नहीं है, जाहिर सी बात है। और जहाँ जहाँ भी पाइपलाइन बनेगी उसके ऊपर जो है आपने देखा होगा कि भाई जहाँ पर अंडरग्राउंड गटर बनती है उसके ऊपर मेन होल कवर होता है, ये इन्होंने एस्टीमेट में मेन होल कवर भी नहीं पकड़ा। मुझे बताइए आज शहर की क्या हालत है, कहीं पर खड्डा हो जाता है, हम देखते हैं आप लोग भी देखते हैं कि भाई ये गिर गया वो गिर गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया,
तो ऐसी सूरत में क्या नौबत आएगी जो शहर के लोगों को कितनी तकलीफ उठाना पड़ेगी? ये मामूली मामूली बातें हैं लेकिन बहुत अहम है, और ठेकेदार को डायरेक्ट डायरेक्ट फायदा पहुंचाने के लिए ये टेंडर निकाला गया है। आसिफ साहब ने बड़ी तफसील से बताया और इसके पीछे का मकसद भी इन्होंने बता दिया। अब हमने ये डिमांड किया इसके ज़रिए कि अगर मालेगांव महानगर पालिका प्रशासन और MGP इन्होंने मिल बैठ कर अगर ये तमाम बातों के ऊपर हमने जो उनको उनके निदर्शन में ला कर दिया, ये अगर सही ढंग से काम नहीं करेंगे, अटी शर्ती को रिवाइज नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में मालेगांव महानगर पालिका और MGP के खिलाफ में हम शहर के हित में, शहरियों के हित में, शहरियों के फ़ायदे के लिए हम धरने आंदोलन का इनेकाद करेंगे।